कुछ नहीं, किसी के नाम नहीं लेता मैं। देखो ऐसी हवाओं में बातें करता हूँ, किसी को स्टोर रूम में बुलाते हो, एक बार मेरे को स्टोर रूम में बुला। क्यों बुलाते तुझे? वही बात के लिए जिसके लिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास बैठिए आप, बट आपने बोलने से बैठने से इनकार कर दिया। तो अब तो उन्होंने तेरे को फाइट के लिए कुछ भी नहीं समझाया? क्या फाइट के लिए, मेरे को कहाँ से समझाएंगे, क्योंकि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस ने सुना। क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपका? सही क्या? सही क्या? सही क्या? सही बता दो कि मनारा मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करती है, समझती नहीं है, मेरे पे बिल फाड़ देती है किसी का भी। किसका बिल मैंने फाड़ा? समर्थ के आने का। और आप कूल हो बहुत, और हम भी बदतमीज हैं वो बोलने के लिए। आई एम सॉरी, जो भी है भाई। अब सॉरी बोलूंगा तो ऐसे लोग जोक मारने आए थे कि आप उससे सुनो एक मिनट बात शेयर करने आए थे। एक मिनट, जो मैंने वो आपको बोला उसके लिए आई एम सॉरी। ओके ठीक है, याद रखना है तुम्हारी ये मेरी ज़बान है, और ये होगा देख लेना, दो दिन बाद आप खुद देख लेना क्या होगा। क्या देखते हैं, निकलना जाना तू घर से। अरे अगर मैं चली भी गई तो भी मैं कम से कम सीना ठोक के जाऊंगी ना, इंडिविजुअल रह के जाऊंगी भाई। फालतू की धकोसलेबाजी, भड़काऊ आदमी है, अगर बोल दिया तो बुरा लग रहा है क्या आपको? क्या बोल रही है? वो भड़काऊ आदमी है, उनको बोला मैंने तो क्या, जो मुझे फील हुआ मैंने उनको बोला, जो मैंने जो मुझे फील हुआ मैंने उनको बोला। उसके बाद क्या बोली? मैंने बोला जो मुझे फील हुआ मैंने उनको बोला। उसके बाद क्या बोली? मैंने बोला जो मुझे फील हुआ मैंने उनको बोला। नहीं बुरा लगा क्या आपको? लगेगा सना, क्योंकि तेरे लिए भी कभी कोई कुछ बोलता था ना वो तेरे लिए बुरा लगता था, तो वो तो मेरा पति है समझी, और तेरा सपोर्ट किया पति गलत भी होता ना, जब वो सुन मेरी बात, लेकिन अगर गलत डिसरिस्पेक्ट करे वो डिसरिस्पेक्ट करे, अरे जा रे चाहे डिसरिस्पेक्ट करे, तू बड़ी रिस्पेक्ट करती फिरती है लोगों की, अपनी शक्ल देख ले पहले, करे वो जब चाहे लायक ना है दोस्ती की, सच बात है भड़काऊ है वो, तू लायक नहीं है दोस्ती की, वो भड़काऊ है। यू डोंट डिजर्व माय फ्रेंडशिप फॉर श्योर सना, वो भड़काऊ है। तो मोहल्ले वालों, अंकिता और विक्की को एक ऑफर दिया, और ऑफर ये था कि दिल के मकान के बदले अंकिता को नील की जगह पूरे सीजन के लिए विक्की को नॉमिनेट करना था। अंकिता ने तो मना कर दिया। फिर सेम ऑफर हमने विक्की को दिया कि नील की जगह पूरा सीजन अंकिता को नॉमिनेट कर दे। मना तो विक्की भैया ने भी कर दिया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग काउंटर ऑफर के साथ। विक्की भैया जी, काउंटर ऑफर बता दूं? हाँ बता दीजिए बिग बॉस। समझ गई मैं तो, समझ बाबा वापस अंडर द बस, नॉट यू इट्स मी। और उनका काउंटर ऑफर ये था कि विक्की भैया नील की सजा हटाकर वापस अनुराग को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करना चाहते थे।